पंजाब प्रदेश भाजपा की तरफ से युवा नेता निपुण शर्मा को जिला भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा किए जाने से समस्त कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। निपुण ने पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वह उस पर खरा उतरने के लिए वे दिन रात मेहनत से पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारी को निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वह पार्टी को साथ लेकर चलते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर सूद ने कहा कि पार्टी द्वारा लिया गया ये फैसला सराहनीय है। युवा चेहरा मिलने से पार्टी में नई शक्ति का संचार होगा। वह जिला महामंत्री के तौर पर पार्टी की सेवाएं कर रहे हैं, अब उनको जिला प्रधानगी की जिम्मेवारी दी गई है, जिसको लेकर ये देखने वाली बात होगी कि वह अपने कार्यालय में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम। पहले सुनना, पहले साढ़े पंजाब प्रभारी आदरणीय प्रभात झा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी और संगठन महामंत्री आदरणीय दिनेश जी और सारे आदर सहित महामंत्री पंजाब और उन्होंने नाल नाल हुशियारपुर के दिग्गज साढ़े पार्टी के सिरमौर श्री अविनाश राय खन्ना जी, श्री तीक्षण सूद जी, श्री सोम प्रकाश जी, श्री विजय सांपला जी, मेयर श्री शिव सूद जी और विजय पठानिया जी जो मौजूदा जिला अध्यक्ष थे, इन्होंने सारे का दिल की गहराइया तो धन्यवाद करदा कि उन्होंने जो सानू काम सौंपया है साढ़े विश्वास किया है। सो मैं इन्होंने सारे तमाम लीडर साहिबान और पार्टी में यह विश्वास दिलाना कि असी जो पार्टी की नीतियाँ लोगों तक घर घर तक पहुँचाने के लिए वचनबद्ध हाँ और हुशियारपुर की इस जिले की जो बागडोर अपने को आई है ये निपुण शर्मा अध्यक्ष नहीं सारे पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष बने ने। सो आपसी भाईचारे के नाल आपसी समन्वय बना के सारे बड़े अधिकारियों और लीडर साहिबाना के मार्गदर्शन के नाल असी पार्टी के लिए। हुशियारपुर तो दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट।